फर्स्ट ऑन क्या चल रहा हूँ इंस्टॉल करो यम इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल दूसरे दिन सिस्टम से पी है तुमने बोला वर्जन ले लिया सिक्स वाला जो सर इसमें देता है लिख के इसी पे बात उसे तो करना होता है ना तो ये नहीं चलेगा क्या तीनों सिस्टम सिटिया नहीं चलेगा सर्विस चलेगा सर्विस स्टार्ट सर्विस बना RPCVIND अब बताओ ये भी तो करना पड़ेगा इसके लिए काम करेंगे एक्सेस के लिए क्या एक्सेस के लिए पहले तो इसमें होगा ना इंस्टॉल NFS सर ये भी करें या हम इंस्टॉल अनटिल पहले तो यूटिल्स एम इंस्टॉल UTILS इंस्टॉल आगे बोलो नेवर करें सिस्टम CTL पहले स्टार्ट बोलना स्टार्ट सर बोलने सबसे पहले स्टार्ट करना इसके लिए नहीं बोले ना इसी के भी लिए जैसे पहले स्टार्ट होगा ना सिस्टम से फिर स्टार्ट कर लेना स्टार्ट लाएंगे कमांड बताना ये लिखो ना अरे स्टार्ट लिख लिया तुमने स्टार्ट लिखो NFS NFS आइकन सिक्योर से नहीं लिखा सपोर्ट नहीं चला था क्यों चला था चला था सपोर्ट है सब चला है किसे इसके कमांड चला दी कौन स्टार्ट कर दिया ने अब बार पे नहीं चला दी ये कर बता कर बार में दूसरा बता अरे ये दूसरी कमांड है मेरे भाई सिस्टम से क्या डालो हो गया अरे सिस्टम से क्या करो और हो गया आगे बता ओनली एन एफ एस भी करेगा हाँ एन एफ ये सिक्योर हटा दीजिए ठीक है और बताओ क्या है ये टेम्पररी के लिए नहीं है ये हमेशा परमानेंट के लिए ये हम वो देंगे जैसे हम सर्वर हैं तब तो वो किसके लिए वाला है ये टेम्पररी परमानेंट कौन एफएसटी वाला ये है ये परमानेंट के लिए नहीं है टेम्पररी के लिए ए परमानेंट ए डेटा डेटा के लिए है डेटा हम अपना बनाएंगे शेयर देंगे तभी तो करेगा हो गया ये सब हो गया अभी कुछ ये नहीं और भी इंस्टॉलेशन कर रहा है ना कुछ
फिर करो उसका सिस्टम सिटी भी स्टार्ट करते हैं। एनएफएस हो गया, सब कुछ हो गया। आगे तो माउंट कहाँ आना है? सो माउंट नहीं, और अरे यार चलवा दे सारे मुझे। बता यंग को आरपीसी बाइंड करा, चला दिया आरपीसी बाइंड हो गया। और नेबल स्टडी नेबल करो इसे, किसको आरपीसी बाइंड कर दिया नेबल स्टार्ट। सिस्टम सिक्योर स्टार्ट आर पी सी, ठीक है। अब इनेबल हो गया, आर पी सी के सब कुछ कर दिया। स्टार्ट हो गया, सर्वर रिस्टार्ट मारते हैं। मैंने सब लोग को दोबारा नहीं रखते हैं ना, जिस साथ आएंगे उस तरह। माउंट वाली है, वो माउंट करना है ना, पहले देख लेता हूँ, डेटा बनाना पड़ेगा ना। सर सर अगर माउंट करना है मुझे तो सर्वर आई पी आपका लेना होगा या मैं अपना खुद ही डालूँगा? क्या माउंट करना है यहाँ पे? जो तुम सर्वर बना रहे हो ना, हाँ, तो क्लाइंट का जो क्लाइंट जो शेयर, अब ये अपना फोल्डर शेयर करेगा, तो खुद का ही फोल्डर सर्वर शेयर करेंगे ना? हाँ, खुद का आई पी डालना होगा। नहीं ये सर्वर बना दिए ना तुमने, एक्सपोर्ट एफएस में सब जाके एंट्री कर दिया ना? नहीं, नहीं उसमें अभी नहीं किया है। तो पहले डेटा तो बनाएंगे तभी तो करेंगे सर, डेटा का फोल्डर नहीं बनाएंगे? हाँ बना दिया।
एस वाई एन सी है ना, आर डब्ल्यू है ना, आर डब्ल्यू कॉमन विदाउट स्पेस के, थोड़े है स्पेस होना चाहिए ना इसमें, पक्का पक्का सर इसमें स्पेस होगा कि ऐसे ही दे दूंगा, स्पेस हो तो कोई दिक्कत हो क्या? यहाँ कॉमा के बाद में स्पेस दूँ, इतना जरूरी है ना, और मान करो हो तो गया, हो गया ये। अब ये जब देखो, जब ये चेंजेस कर रहे हो ना तो NFS सर्वर को रिस्टार्ट करो, ओनली NFS हो गया सर। तो हम दूसरे का देखने के लिए ना सर, इसका रिस्टा है क्योंकि अब देखो तुम्हारा चला 100 माउंट है बनी करके माइक्रोन लिख रहा था ये मतलब होगा कि अगर आप ऑब्वियस मेरे को तो उस समय भी आ रहा था बस दूसरे पे माउंट करके देखो उसको माउंट करा कि नहीं बोला अच्छा उस वाले पे दूसरा कुटी था ना हाँ हाँ तो फिर से उसको लॉगिन करना पड़ेगा इसको हटा के नहीं दो कुटी नहीं कर सकते क्या दो नहीं होगा ना सर तो एक सिस्टम में दो कुटी दूसरा टर्मिनल ओपन हो गया चलो हटा इसको इसको चेक हो गया ना करवा ले पहले सिक्योरिटी ग्रुप में अलग कर दिए नया वाला में करना होगा ना दोनों के सिक्योरिटी ग्रुप वही है ना तो हम लोग को थोड़े करना है सर्वर वाले को करना है किस पे करूँ मतलब एक तो अपना सर्वर है देखो सिक्योरिटी ग्रुप तुमने एक ही को लिया था हाँ सिक्योरिटी ग्रुप एक ही है तो छोटा करो इसको बोला ना पैसे ऊपर किस पे जाए हाँ स्टडी ग्रुप है दोनों का स्टडी ग्रुप है पर जो ये इन पर इन पर लेगा ठीक है ये
और इंटरेस्ट में क्यों नहीं आ रहा? इंटरेस्ट में आना चाहिए था ना। किसको करो, इसको या इसको? ये पुराना वाला है, ये नया वाला है, करो क्लिक इसे, मतलब दोनों को करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कि नहीं जाएगा? सर्वर बनाऊंगा उसी को करवाना। तो सर्वर तो मेरा नए वाले को बनाया हूँ। स्टडी ग्रुप, इसके लिए स्टडी ग्रुप है, जाओ ये वाला जाओ, उसमें क्लिक करो, इसका भी स्टडी सेलेक्ट किया। बस इसमें क्लिक करो, अलग करो इसको फोटो को। सर गड़बड़ हो गया ना, नए वाले को भी हम सर्वर ही बना दिए। क्लाइंट कौन है? तो कोई भी क्लाइंट है, दो मशीन है ना तुम्हारे पास? हाँ, तो एक क्लाइंट बन जाएगा, सर्वर बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैंने चला दिया है पुराने वाले फूटी पे, नए वाले मशीन का वो लो, माउंट पॉइंट करके देखो। नया वाला कौन सा है? ये वहाँ नया वाला है, ये माउंट परमानेंट करूँ या ये वाला को? पहले सिंपल माउंट कमांड चलाओ, माउंट NFS और बता रहा है कि 3.19 3.19.5.8 पेमेंट ही कर रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है, स्पेस क्यों दे रहे साहब? स्पेस में दिलवाया है यहाँ पे है, यहाँ से देखो डी एफ आई पेमेंट कर लिया। बस ये तो परमानेंट में भी आ जाएगा, परमानेंट करते देखते थे। सबसे पहले चलाने से पहले ना सुमान हाल पे नहीं चलाया था, देखा करो कि यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। चलाया था ना सर, वो तो उसी मशीन पर चला दिया था ना, लोग क्लोज करके यहाँ पे कहाँ चले। अच्छा तो अरे आप क्यों चला रहे हो, दिखा रहा तभी तो माउंट हो गया ही है। हाँ तो मैं रिंग कर लेता हूँ ना। परमानेंट क्यों माउंट कर रहे हो, फिर तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा। हाँ वो कर देंगे, अरे वो यहाँ होगा तो वहाँ भी होगा, पर वहाँ पे लिखेंगे किस तरह वो देख लेता हूँ ना। रिम ईटी से परमानेंट का, रिम ईटी से हाँ FS टाइप है ना। सर्वर आई पी क्या था अपना? 3.19 3.3.19 डेटा हो गया अगर स्लैश कर NFS
इसको सब डबल जीरो क्या हो गया परमानेंट अगर माउंट नहीं होता ना तो चलता ही नहीं सो माउंट ट्रांसपेस माइनस ई ई आई ये बोल रहा हूँ मैं आईपी बता आईपी बता 3.19 इतना याद नहीं 2.45 डेटा के लिए इसमें डेटा मत चल रहा है बेटा होता है अच्छा एक कोमा भी होता है ना चलो सो नॉन सर अरे यार क्लच चला रखी ना वो कमांड वही गलत हो गया वो लगेगा बाद में मैं कर लगा दूँ वो तो बाद डब्लू लग रहा है हाँ ओके 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 राइट मारो चलेगा हटा के देखा सर अब उनके डेटा में कैसे जा सकते हैं जैसे हम यहाँ पर डेटा का पॉर्ट दिखा रहा है तो उनके डेटा में जाने के यहाँ से सीधी करके डेटा में जाऊँगा तो उनके डेटा में जाऊँगा वो नहीं उनको तो माउंट कहाँ पे किया हो एमएनटी में किया हो ना यहाँ पे हाँ एमएनटी में मिलेगा ना वो इसे टाइम ना पड़ेगा एमएनटी में जाके कुछ ओके तो उसको करवा दूँगा एमएनटी में आ गया यहाँ पे एलएस करूँगा तो डेटा डेटा क्या दिखाएगा वहाँ का डेटा पॉइंट तुमने अपने अपने एमएनटी के नाम से माउंट किया है अच्छा हाँ तुम उसके एमएनटी फोल्डर के नाम से जाना होगा तब अभी मैं उनके अंदर हूँ या अपने अंदर हूँ अभी तुम एमएनटी दूसरे सर्वर को पॉइंट कर रहा है ना यहाँ पे देखो ना इस सर्वर को पॉइंट कर रहा है मतलब तुम अपने ना हो इस सर्वर के इसमें हो उस पर हो मैं हाँ यहाँ तुम जो बनाओगे वो उसके यहाँ बनेगा ये तुम्हारे सिस्टम का ही बनेगा सही बोल रहा हूँ सर परमिशन मांग रहा
बोलो यहाँ फोल्डर भी नहीं बनाने देगा क्या इसके एमएनटी में? एमएनटी में मैं फोल्डर बनाऊंगा नहीं बनने देगा? हाँ परमिशन तो दो उसको एमएनटी फोल्डर को, उसको डेटा पार्टीशन को इसको देना पड़ेगा परमिशन मुझे। हाँ एमएनटी को दो ना सर, डेटा का दो, यहाँ पे डेटा पार्टीशन है ना, तो टाइम आउट हो गया क्या? हाँ हट गया, रुकते हैं। अरे कभी भी एरर भी पढ़ा करो, क्या लिख रहा है कमांड? टैब चलाते हो नहीं तुम, कभी फंस हो गया तो कि चार्जिंग दे दीजिए। सर अब यहाँ पे गोविंद बना दिया है एमएनटी के अंदर में, जिसमें अंगल ध्यान से आप तुमने खींच ही डाला उसको, लगा दो लग जाएगा सर। एक सेकेंड और सर, हम चले जाते हैं वहाँ पर। ये जैसे एमएनटी के अंदर हम लोग ए बना दिए गोविंद नाम का फोल्डर, और दूसरे पुट्टी पे जाकर हम एमएनटी के अंदर चेक करेंगे तो दिखाना चाहिए ना ये वहाँ गोविंद नाम का फोल्डर बना है। तुम चलाओगे सब कंप्लीट करोगे, ये बताओ माउंट पॉइंट का माउंट कहाँ पे किए हो? तो कंफ्यूजन था मेरा, माउंट में माउंट किए हो एमएनटी में। हाँ फिर दोनों को छोटा करो, इसी पे दो है ना कंफ्यूजन, इसी पे तो है। एक पे तो भाई 100 खोलना पड़ेगा, 100 में कंफ्यूज हो गए बताओ। अरे कुछ भी नाम दे दो यार, यहाँ पे ये सर्वर है ना, ये क्लाइंट है ना, ये सर्वर है, क्लाइंट है ना, इसके तुम कुछ भी बनाओगे डेटा में तो यहाँ दिखेगा एमएनटी में, यहाँ एमएनटी बनाओगे तो यहाँ दिखेगा डेटा में। तो अभी जो मैं गोविंद बनाया था वो कहाँ दिखेगा? डेटा के अंदर गोविंद है ना, यहाँ पे दिखेगा एमएनटी के अंदर है तो सही। गोविंद क्या दिक्कत है? अभी मैंने किस में चेक किया था जो नहीं दिखा रहा? तुम यहाँ के एमएनटी में बना रहे हो, यहाँ देख रहे हो, कैसा दिखेगा? यहाँ का डेटा पार्टीशन है जो यहाँ पे शेयर है, ये एमएनटी भूल जाओ तुम, एमएनटी यहाँ का डेटा पार्टीशन है। तुम ये देखो कि ये ड्राइव को तुमने कहाँ पे माउंट किया है, एमएनटी में किया था, एमएनटी में जाके देखोगे ना। अब यहाँ पे तुम कुछ ही बनाओगे, यहाँ पे दिखेगा पर इस पूरे को तुमने कहाँ माउंट किया है? मैंने इसको ए एम एन टी जो है
इसका है ना? हाँ इसका है, हाँ इसका है। तो अगर मैं इस पे काम करूँ या उस पे काम करूँ? नहीं, इसका एमेंट, इसका डेटा पार्टीशन इसका एमेंटी है। समझ गया, यानी हम नाम से कंफ्यूज हो गए थे। ये यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे एमएनटी है, यानी इक्वल है दोनों। हाँ, इस पे काम करूँ तो वहाँ डेटा पे दिखेगा, डेटा पे काम करूँ तो यहाँ एमएनटी पे दिखेगा। हाँ, पहले एमएनटी एमएनटी को बुला था ना? नहीं, सर एमएनटी के अगर कुछ दे सकते हैं? हम्म, कोई भी ब्लैंक फोल्डर बना लो, ये किसी भी ड्राइव को ऑटो माउंट करने के लिए हो गया सर, इंस्टॉल। वी आई एन ई टी सी ऑटो डॉट मास्टर डॉट जी होगा, शायद मुझे लिख लेना। ऑटो डॉट मास्टर डॉट, ऑटो डॉट मास्टर आ गया, पर आगे डॉट बी हो रहा है। इंटर करो, ये तो ब्लैंक खुला। यही है सर, ब्लैंक खुल रहा है। ठीक है, सीडी करके चले जाओ टीसी मास्टर डॉट डी के अंदर। ठीक है, आ तो रहा है, टैप करना सर। आ रहा है ना? हाँ, उसी के अंदर एक फाइल बनाओ कुछ भी नाम से, मास्टर डी के अंदर जाकर। हाँ, मास्टर डॉट डी के अंदर जाके, हाँ, और उसका नाम दो। नहीं, हम सीडी करके जाएं या भीम करके अंदर जाएं? भीम करके सीधा बना सकते हैं, मास्टर डॉट डी आ गया ना। हाँ, आ गया। आगे लिख दो डायरेक्ट डॉट ऑटो एफ एस स्पेस के साथ। हाँ, स्पेस के साथ नहीं, उसी में नया फाइल बनाना है मास्टर ऑफ डी के अंदर। हाँ, तो नाम तो लिखेंगे ना सर? नाम लिखो ना, वीम ईटीसी ऑटो मास्टर डी, फिर नाम लिखो। वीम के अंदर जा के बनाना चाह रहा हूँ मैं। वीम के थ्रू? वीम के अंदर जाके नहीं। हाँ, वीम के थ्रू। हाँ, तो भीम का जब कमांड चलाएंगे साथ ही में नाम लिखना पड़ेगा ना सर? हाँ, साथ ही नाम लिखना। हाँ, वही बोल रहा हूँ, विदाउट स्पेस। हाँ, क्या नाम लिखो? डायरेक्ट डॉट ऑटो एफ एस करो, कुछ भी होगा जिसका एक्सटेंशन आता
डॉट एफ एस डायरेक्ट डॉट ऑटो एफ एस एफ एस होना चाहिए राइट सर ऑटो एफ एस बन गया आगे उसके अंदर दो ये तो बहुत बड़ा फाइल हो गया ना ये नाम हो गया सर ऑटो डॉट मास्टर डी हाइफन डायरेक्ट डॉट ऑटो एफ एस वो फोल्डर है उसके अंदर जाके फाइल बनाना सी डी करके चले जाओ उसके अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट डॉट ऑटो एफ एस बना दो मैं वीम के अंदर हूँ सर तुम बोला वीम के अंदर हूँ हाँ वीम के थ्रू हूँ वीम से ओपन किया मैंने हाँ देखो उसे ब्लैंक फाइल खुला है ना हाँ उसमें लिखो फॉरवर्ड स्लैश हाइफन फॉरवर्ड स्लैश हाइफन फिर स्पेस हाँ फॉरवर्ड स्लैश etc auto dot direct etc auto dot direct direct king one re dir etc etc direct bolo ki bolo direct होल्ड करो थोड़ा सा फॉरवर्ड स्लैश तो नहीं है ना ये भाई इसमें डी कहाँ जा रहा है स्पेस है ना कहाँ पर माउंट करना होगा हमारे ओपन सिस्टम में अब पैकेज नो पैकेज बोले तो क्या करेंगे क्या लिख रहे हो सी आई एफ एस हाइफन यूटिल्स एसएमबी क्लाइंट चलाना तो एसएमबी
फाइल का नेम होगा तो सब डाउनलोड कर दिए ना रिपोजिटरी, ये जो संभा नहीं था ना वो इसमें डाउनलोड हो गया। अब हम कमांड चला सकते हैं संभा कमांड। सर इसका मेन काम यही होता है बस विंडोज से कनेक्ट करना सर्वर को सर लिनक्स पर। संभा का मेन काम यही होता है ना बस तो सर अब चला कर रखे हम लोग जो अभी लिखा है। अरे अभी शेयर संभव सर्वर तो बनेगा जब तक करोगे मैं तो एग्जाम्पल लिखा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई कमांड नहीं है जो अभी हम चलाते हैं। अरे भाई ईटी से सांबा बोल रहा हूँ ना। इतना बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कहाँ ध्यान है तुम्हारा। देखो इसमें भी है ना वही चार लाइन, तो मैंने क्या किया था इस लाइन को कमेंट करके एक कॉपी बना के इसमें कमेंट कर दिया। यूएस से तो नहीं खोले होते बाहर आने को बिना सेफ के इसी तो जगह होते वाला तो नहीं चला था ना सर हम लोग को ऑटो मास्टर बोलो। ये ईटीसी सांबा सर
सांबा असेंबली दो असेंबली असेंबली दो असेंबली कौन बात कर बस बोला इंटर बात हो गया इसमें होम में जाओ ये वाला ओके ओके इस मैप एक कॉपी करके उसके नीचे पेस्ट मार दो सभी ऊपर वाले कमेंट कर दो इसका आगे है इसका बारे में हैश लगा दो हैश से मतलब ये सर वो नहीं होगा मतलब आई प्रेस करने पर नहीं यहाँ पे एक सेकंड ऐसे हैं ब्राउज़ ये पहले इक्वल टू यस कर रहे हैं फिर कमांड फिर चला कमांड चलो ये इसको ये कर ब्राउज़ ये पहले इक्वल टू यस कर सेव कर अब चला सिंपल यूजर ऐड करो एक यूजर ऐड कर दिया यूजर नाम है हेलो यूजर एसएमबी पास डब्ल्यूडी एसएमबी पास डब्ल्यूडी एसएमबी पास डब्ल्यूडी एफपीएस हाइफ़न ए दें यूजर का नाम इसके साथ क्या देखते हैं हाँ हाइफ़न ए के साथ कितने यूजर हैं हाइफ़न ए दें यूजर नहीं फिर सर्विस सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएमबी इसलिए बना दिया सही से रीस्टार्ट एसएमबी बस आप फिर जाके विंडोज के रन पे जाके खोल सकते हैं जरा खोलने से पब्लिक आईपी से खुल रहे थे खुल रहे सर यूएस का है ना इंडियन डबल स्लैश लाइक बोलना उसका ये वाला कर दो सर आईपी क्या है अपने सर्वर का तुम्हारे मुझे और ट्रैफिक तो लग रहा हो गया जी अच्छा रिस्टार्ट हो गया ना फिर उसके बाद जाके विंडोज के रन पे जाके खोल सकते इसमें ही वो नंबर बता रहे थे ना सर डोमेन नंबर आपका पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर वो ये हमेशा याद रहना चाहिए तो ये वाला ना सर 6553 ये तो पूरा पोर्ट अलाउ कर दिया अब हमें पता है कि हमारा सांबा के लिए पोर्ट नंबर क्या होना चाहिए सिर्फ हम सांबा का ही पोर्ट नंबर यहाँ डालेंगे ऑल ट्रैफिक ना करके यहाँ पर हम लेंगे कस्टम इंडिविजुअल पोर्ट नंबर मिलता कहाँ है सब सारे को पोर्ट नंबर तुम ना यहाँ पे देख सकते हो कि टी सी सर्विसेस नाम के फोल्डर हो तो फाइल होता है ये हो गया ना अलाउ कर दिया फिर जाकर बिल्डो जो आर पी उसको खोलना दोबारा से
enter to network administrator requirements. बाहर कहाँ है ये स्कैन सीनियर्स कौन है कि बंद है बंद है क्या डिसेबल डिसेबल है ना बाहर का सर्वर है ना तो ऐसे करने नहीं तो फीचर यही है माउंट करने का विंडोज वाला जो है ना बहुत बड़ा काम है ये क्या बोल रहा था कुछ नहीं ऐसा रीलोड करते हैं कैमरे के लिए चलो तो आज कौन कौन सा हुआ सर सांबा सर्वर का हुआ और सांबा क्लाइंट को कैसे लिस्ट करते हैं